हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज मैं लेकर के आया हूँ क्रू मूवी रिव्यू। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मुझे इसी तरह से मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बॉलीवुड और तीन हीरोइन वाला फिल्म, दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं ना? थप्पड़ से ज़्यादा डर इस फिल्म से लगता है साहब। लेकिन जब बेचारा कोरोना ही नहीं बच पाया तो बॉलीवुड किस खेत की मूली है। देर से ही सही फीमेल सेंटर मूवीज का वैक्सीन मार्केट में आ गया है। क्रू इस हफ्ते रिलीज हुआ और जितना आप सोच रहे हो फिल्म उससे कई ज्यादा ऊपर आसमान में लेके जाएगा आपको। लेकिन लैंडिंग सेफ या फिर राम नाम सत्य है? देखो भाई, पहले सबसे बड़ा डर निकालना जरूरी है। जी हाँ, इस फिल्म को विद फैमिली पूरे परिवार के साथ एंजॉय कर सकते हो। कुछ अडल्ट वर्ल्ड वर्ल्डर नहीं है, 0%। और हाँ, सबसे बढ़िया बात, जिसको सुनते ही टिकट बुक कर लोगे आप। 50-50 का लगा शर्त। फैमिलीजन वाला मॉडर्न साइंस का चैप्टर इस बार नहीं खोला गया। मैं कितना बूढ़ा इंसान हूँ ये सोचने का जरूरत नहीं पड़ेगा। फिल्म में अगर तीन लड़कियों को तीन लड़कों से बदल दोगे तब भी कहानी ऐसे ही सेम रहेगा। नारी शक्ति वाला एंगल सरप्राइजिंगली नहीं डाला है, सिर्फ सिनेमा है बस। तो यार, कहानी बिस्किट की है, मुझे तो पार्ले जी पसंद है। आप लोग को जो भी बिस्किट पसंद है कमेंट करके नीचे बताओ। मुंह में डाला लेकिन आवाज आया कट। सोने का बिस्किट खाने में उतना स्वाद नहीं देगा, लेकिन एक भी मिल गया ना तो पूरी जिंदगी फ्लेवर भर देगा। हरा, नीला, पीला, गुलाबी, कोई सा भी चुन सकते हो। तो ये बिस्किट है कहाँ? चोले में अपने प्लेन की एयर होस्टेज की सेफ्टी में इंडिया से लेकर जाना है किसी दूसरे देश में, जहाँ भरा पड़ा सोने का खजाना। प्रॉब्लम क्या है? सोना, कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। गाना बढ़िया है ना, सुना होगा आपने। लेकिन अगर इसको एयरपोर्ट पर गलती से भी गाओगे ना तो सीधा जेल जाना पड़ेगा। जेल का रोटी खाना पड़ेगा, जेल का पानी पीना पड़ेगा। एयर होस्टेस के लिए तो स्पेशल ऑफर लाए हैं दिलजीत पाजी। आसमान में चिड़िया की तरह उड़ना, हमेशा के लिए बंद, पंख काट दिए जाएंगे। जेल से निकल भी गए ना तो प्लेन को सिर्फ जमीन पे उड़ते हुए देखना पड़ेगा। अब मेहता साहब तो निकल लिए यह बोलकर, रिस्क है तो इश्क है। अपना क्रू क्या करेगा, 10 बिस्किट 100 साल आराम, या फिर 10 का पार्ले जी। ईमानदारी से करो अपना काम। देखो, सीधा सीधा बताता हूँ आपको फिल्म क्यों देखना है या फिर नहीं देखना है। कॉमेडी अच्छा है लेकिन थोड़ा सा कम है। बिना एक्सपेक्टेशंस जाओ, एंजॉय कर लो। ऐसा कुछ बहुत ज्यादा फनी टाइप के डायलॉग्स नहीं है, बेसिक कॉमेडी है, वन लाइनर्स है। बस फीमेल एक्ट्रेस बोर हो रहे हैं तो असर ज्यादा होता है। दूसरा बात, कहानी मजेदार है। हर बात की तरह प्लेन हाईजैक से बचा के देश का हीरो नहीं बनना, चोर को चोरी करते हुए देखना, सीसीटीवी लगा के डिफरेंट सोच। पायलट तो हमेशा से हीरो रहा है अपने बॉलीवुड के लिए, लेकिन एयर होस्टेस रियल लाइफ में लोगों को अट्रैक्ट करती है, बट यूनिफॉर्म के पीछे वाला जिंदगी अब देखोगे। तीसरा चीज, बहुत आसान था इस फिल्म को लड़का वर्सेस लड़की बना के प्रेजेंट करना, लेकिन उसके ठीक उल्टा यह फिल्म कहानी पे फोकस करता है। सही गलत नहीं, सिर्फ इंटरटेनमेंट। जैसे अभी मटगांव एक्सप्रेस रिलीज हुआ, उसमें किसी ने पूछा क्या तीन लड़के हैं, हीरोइन कहाँ है? वो सिर्फ कहानी से पब्लिक को हंसा रहे हैं, एंजॉय। फिल्म में कहीं पे भी एक सीन ऐसा नहीं आएगा जब बेचारी लड़की कितना झेलती है लड़कों के कंपैरिजन में। यह सब दिखाया जाए, नो टाइम पास। चौथा, जिसने भी फिल्म का कास्ट को सेलेक्ट किया है उसको 50% क्रेडिट इजीली मिल जाना चाहिए, क्योंकि अगर फिल्म पसंद आएगा तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये तीनों लोग है, करीना, कृति और तब्बू। तीनों में से किसको ज्यादा देखना है? आप कंफ्यूज हो जाओगे, कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा ओवर एक्टिंग हो रहा है। फनी, रियल, नेचुरल। इनके बीच आपस में कंपटीशन चल रहा है तगड़ा, जिसको जो सीन मिल गया उसको दूसरे से बेस्ट बनाना है। बेस्ट, बस ये शब्द आप क्रू के साथ नहीं जोड़ सकते हो, क्योंकि फिल्म गुड जरूर है लेकिन बेटर से लेकर बेस्ट तक का रास्ता बहुत दूर है अभी। कहानी मजेदार है, नो डाउट, लेकिन कहानी बताने का तरीका थोड़ा स्पीड ब्रेकर से भरा हुआ है, धीमे धीमे चलती है, स्पीड स्लो है काफी। जैसे मटगांव एक्सप्रेस, अभी मैंने थोड़े देर पहले बोला वो फिल्म और क्रू में अंतर है स्क्रीन प्ले का, वो सांस नहीं लेने देता एक सेकंड के लिए भी। लेकिन क्रू को देखते टाइम आप बीच बीच में रिलैक्स भी कर सकते हो, 2 मिनट का झपकी लेने के बाद भी उठोगे तब भी कहानी वहीं पे रहेगा, कुछ मिस नहीं होने वाला। बट हाँ, वो चीज जिसके वजह से आंखें खुला रखना पड़ेगा आपको पूरे टाइम, वो है इसके स्पेशल कैमियोस। कपिल पाजी वाओ वाओ, दिलजीत सर आओ आओ। प्लस नाचना वगैरह नहीं आता तो थोड़ा बहुत स्टेप सीख लेना, क्योंकि फिल्म का गाना बड़ा मजेदार है। रिमेक सॉन्ग पहली बार सुनने में मस्त लगे, एक नंबर।
बाकी वीडियो में कुछ अच्छा लगा कुछ खराब नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। मैं इसी तरह का एंटरटेनमेंट वीडियो फिल करके आऊँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।